जैसे भी, और जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसके हवाले से भी, और इमरान नियाजी का जो मकरूह चेहरा पहले ही कौम के सामने खेल खेला और मुल्क और कौम का जो है ये नहीं सोचा कि इससे उसका जो है वो कितना नुकसान होगा। और फिर आर्मी चीफ को अगर वो अपने अदारे के फैसले के खिलाफ और अपने अपनी ज़ात के मुफाद में अगर वो अपनी ज़ात को अपने अदारे पर तरजीह देते हुए जो है वो गैर मुइना मुद्दत यानी फॉर लाइफ एक्सटेंशन जो है वो लेने पे रजामंद हो जाए तो फिर उसकी वही तारीफ़ें जो है वो पिछले 4 साल से होती रही थी कि जी बाजवा साहब जो है वो बहुत जमहूरियत पसंद जर्नैल है, उन्होंने इस मुल्क की बड़ी खिदमत की है, उन्होंने जो है वो हमारी जो इकॉनमी है उसके लिए उन्होंने बड़ा काम किया है, और अगर उन्होंने अपनी ज़ात पे अदारे को तरजीह दी और अदम इतमाद की तहरीक को नाकाम करने के लिए सियासी किरदार अदा करने से इनकार किया और उन्होंने ये कहा कि अदारे का ये फैसला है कि जो पहले हो चुका सो हो चुका, लेकिन अब अदारा जो है वो अपना ए पॉलिटिकल किरदार जो है वो अपनाएगा तो उसके बाद फिर देखें। फिर मीर जाफर, मीर सादक, न्यूट्रल, जानवर, गद्दार, यानी ये है इस आदमी का जो है यानी जो असल चेहरा कि अगर इसके मफादात के लिए कोई अदारा या कोई शख्सियत जो है वो काम करे तो फिर उसकी तारीफ़ें हैं, फिर वो मुहिब वतन है, फिर जो है वो उससे बढ़ के कोई नहीं, और अगर इसके मफादात की कोई अगेंस्ट जाए तो फिर वो जो है वो ना वो चोर है, वो डाकू है, वो मीर जाफर है, वो मीर सादक है, और वो जो है वो फिर गद्दार भी है। यानी आप इस आदमी की जो है वो ज़हनी पस्ती देखें कि किस हद तक जाके जो है ये नफ़रत और कौम को तकसीम करने की सियासत कर रहा है। इस मनफी एजेंडे के साथ किसी मुल्क की सियासत, किसी मुल्क में जमहूरियत, किसी मुल्क में रूल ऑफ लॉ, किसी मुल्क में रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो वो आगे बढ़ सकता है, और किसी भी कौम में जब तक इस तरह का नेगेटिव किरदार नासूर जो है वो होगा तो उस कौम की, उस मुल्क की कौमी ज़िंदगी में या कौमी सियासत में जो है वो कोई सुधार आ सकता है? जब तक कि पूरी कौम जो है वो उस फितने की शनाख्त ना करे और उसका कलाकुमा ना करे, उसका इलाज ना करे, उसका इदराक करे, उसकी शनाख्त करे और उसको जो है वो उसका जो है वो कलाकुमा करे, उसका उसके बगैर ये मुमकिन हो सकता है? इसी तरह से आप देखें लॉन्ग मार्च, यानी अगर अदारा जो है वो इसके लिए सेनेट का इलेक्शन मैनेज करे, चेयरमैन सेनेट का, तो बिल्कुल ठीक है जी, सारा कुछ ठीक हो रहा है। अगर जो है वो कोई इसके लिए जो है वो अजलास मैनेज करे, बजट पास नहीं हो रहा, लोग नहीं आ रहे वोट देने के लिए, लोगों को पकड़ पकड़ के या लोगों की मिन्नतें करके उनको लाया जाए, उनसे वोट कास्ट करवाया जाए तो सब ठीक है, मुहिब्बे वतन। और अगर ये काम करने से इनकार हो जाए तो फिर जनाब मीर जाफर भी है और मीर सादक भी हैं और फिर जो है वो गद्दार भी हैं। और आप फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च जो 25 मई को जो है वो इसने किया,
उससे पहले ये क्या कहता रहा है, इसके हवारी जो है वो क्या कहते रहे हैं, ये खूनी मार्च होगा, लोग खुदकुशियां करने को तैयार है। अब भी वो जो है वो सियालकोट से इसके एक टिकट होल्डर ने जो है वो इसी तरह की बात की है, वो मैंने सुनी है सोशल मीडिया पे। तो 25 मई को भी 20 लाख लोग आएंगे, लोगों का एक समुंदर होगा जिसका पहले से कोई अंदाजा नहीं है। ये 25 मई को भी इसका यही दावा था, पूरे मुल्क में जलसे करके इसने तकरीबन 1.5 महीना तैयारी की थी, और उसके बाद जनाब ये 25 मई को जो है वो यहाँ पे आए थे खूनी मार्च लेके, लेकिन उसमें जो है वो नाकाम हुए और फिर कहा कि मैं 6 दिन बाद जो है वो दोबारा आऊँगा। अब दोबारा आने के लिए जिस किस्म की तकारीर कर रहे हैं, जो कल इन्होंने जितना मनफी प्रोपेगंडा जो है वो कल इन्होंने जो है वो किया है, जहाँ जहाँ पे भी ये गए हैं, किसी कॉलेज में गए हैं या किसी यूनिवर्सिटी में गए हैं या किसी बार में गए हैं, वहाँ पे जो इन्होंने गुफ्तगू की है, यानी बदबख्ती की अलामत देखें कि कल जब पंजाब गवर्नमेंट में वहाँ पे जो ये गए हैं सीएम हाउस में, तो वहाँ पे जाके गुफ्तगू क्या कर रहे हैं कि जी पंजाब हुकूमत नाकाम है। क्यों नाकाम है कि जी महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी, वो लोगों को रिलीफ नहीं दे सकी, लोगों को अमन व अमान की जो है वो सूरत हाल बेहतर करके नहीं दे सकी। नहीं, आपने लोगों के खिलाफ मुकदमात नहीं बनाए, आपने पर्चे दर्ज नहीं किए झूठे, तो इसलिए आप नाकाम हैं, कोई फायदा नहीं है आपका, आप गुडी गुडी खेल रहे हैं। यानी अगर आप झूठे मुकदमात दर्ज नहीं कर रहे तो आप गुडी गुडी खेल रहे हैं। ये है इस आदमी का की ज़हनियत। तो अब आप पूरी कौम के सामने मैं ये बात रखता हूँ कि इस ज़हनियत का आदमी जो है वो किस तरह से कौमी सियासत में जो है वो अपना किरदार अदा कर सकता है और उसका क्या किरदार होगा उसका, मासवाय इसके कि वो फितना फैलाए, वो फसाद फिल अर्ज जो है वो पैदा करे, वो लोगों को गुमराह करे, कौम को तकसीम करे, कौम के नौजवानों को गुमराह करे। इसके अलावा ऐसी गुफ्तगू से और ऐसी साजिशों से ये साइफर और उसके बाद फिर आर्मी चीफ को जो है वो फॉर लाइफ एक्सटेंशन देने के जो मामला थे ये क्या थे, और फिर अगर कोई ना इन चीज़ों को तस्लीम करे तो फिर आप जनाब जो है वो आप मीर जाफर और मीर सादिक हैं और आप जो है वो गद्दार हैं। आप अरशद शरीफ शहीद की अलमनाक अफसोसनाक जो मौत है, शहादत है, उस पर जो हकायक जो है वो सामने आए, खुद इसने प्रोपेगंडा शुरू किया कि जी उसे ज़बरदस्ती बाहर भेजा गया, उसे डराया गया, धमकाया गया कि जी वो बाहर चला जाए। ये उसी तरह की साजिश है जिस तरह की वो साइफर वाली थी कि खुद ही प्लानिंग की कि ये बस चीज़ आ गई है, इसके साथ अब हमने खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना लेकिन इसके साथ हमने खेलना है। अब इसमें भी इस किस्म की एविडेंस जो है वो आगे चल के सामने आएगी, इसका मकरू चेहरा जो है वो पूरी कौम के सामने आएगा कि इसने इस मामले में इसका घटिया गंदा किरदार क्या है और ये कहता क्या रहा है। ये कह रहा था, अपना बयानिया बना रहा था कि जी उसे डराया गया, धमकाया गया और उसको जो है वो बाहर जाने पे मजबूर किया। किस तरह से डराया धमकाया गया? एक थ्रेट अलर्ट जो है वो जारी किया गया। जारी किसने किया? केपीके की गवर्नमेंट ने जारी किया। मैं दावे से कहता हूँ इस बात को हम थ्रू प्रॉपर इंक्वायरी जो है वो सामने ले आएंगे, क्योंकि ये मेरी ही मिनिस्ट्री का सब्जेक्ट है।
वो थ्रेट अलर्ट जो है वो फरमाइशी थ्रेट अलर्ट था, वो सिर्फ क्रिएट इनिशिएट इसलिए किया गया कि अरशद शरीफ मरहूम को डराया जाए, धमकाया जाए कि बस तुम्हें जो है वो इस्लामाबाद की सराउंडिंग में जो है वो कत्ल करने का मंसूबा बन चुका है। उस थ्रेट अलर्ट में जो है कहा गया कि तालिबान ने प्रोग्राम बना लिया है और जो है वो आपको इस्लामाबाद की सराउंडिंग में जो है वो आपको जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा। उसके बाद वो जब इस धमकी में आके जो है वो चला गया दुबई। आप मुझे बताएं कि दुबई में जिन लोगों का वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो क्या उसके बाद कोई पकड़ के उन लोगों को कोई जेल में डाल देता है, कोई उनको धक्के मार के कोई निकालता है बाहर? मेरा ख्याल है कि उससे पहले कोई दो तीन मरतबा जो है वो कोई वार्निंग नोटिस और उसके बाद जुर्माने की पूरी यूनिट भी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज अगर कोई डेट वीज़ा ख़त्म हुआ है, लोग वहाँ पे कई कई महीने जो है वो वीज़े की डेट के ख़त्म होने के बाद भी जो है वहाँ पे ओवर स्टे, यानी एक रूटीन है। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई अच्छा काम है, इलीगैलिटी नहीं है, इलीगैलिटी है, लेकिन बहरहाल जो एक प्रैक्टिस है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसको फिर जो है वो कीनिया भेजा गया। यानी पहले आप देखें कि किस तरह से जो है वो यानी उसको डराया गया, धमकाया गया, मशवरा दिया गया, बार बार मशवरा दिया गया कि जनाब आप चले जाएं बाहर, और फिर दुबई से जो है वो उसको जो है वो कीनिया भेजा गया। अब वहां पे जो चीजें सामने आ रही हैं वो हकायक जो सामने आ चुके हैं, जिन पर वेरिफिकेशन का अमल जो है वो जारी है, वेरिफिकेशन के अमल के बाद इन चीज़ों को जो है वो आपके और कौम के सामने जो है वो रखा जाएगा। वहाँ पे खुर्रम और वकार नामी जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है, खुर्रम जो है जिसका नाम पहले दिन से है कि वो साथ था, वो ARY का मुलाजम है। ये बात ना सिर्फ सामने आ चुकी है बल्कि कन्फर्म भी हो चुकी है, रिकन्फर्म भी हो चुकी है। वो जो फार्म हाउस है, मुतनाज़ फार्म हाउस, दी फार्म हाउस, उसके मुतल्लिक भी जो है वो आपको एक दो दिनों में जो है वो आपको वेरीफाई रिपोर्ट मिल जाएगी कि वो किसका है। और फिर वकार नामी जो शख्स है उसके मतलब भी जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि वो कौन था और उसका इस सारी स्टोरी में जो है वो क्या किरदार है, फायरिंग गाड़ी पे कहाँ पे हुई है, उसके बाद गाड़ी रुकी क्यों नहीं है, उसे गाड़ी को कहाँ पे ले जाया गया है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ताने बाने जो हैं वो सारे दो जो है वो अशखाश की तरफ जो है वो जाते हैं। एक का नाम इमरान खान है और एक का नाम सलमान इकबाल है। मैं अभी ये इन एविडेंसेस की डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, मैं अपनी पोजीशन का लिहाज रखते हुए मैं अभी जो है वो एक वेरीफाइड फैक्ट्स को सामने लाने से पहले मैं किसी पर किसी पर्टिकुलर एक्ट ऑफ क्राइम का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन जो क्राइम हुआ है, जो एक इतना बड़ा सानेया हुआ है, उससे जो बादियों नज़र में जो एविडेंस सामने आ रही है, उस एविडेंस की डायरेक्शन जो है ये इन दो अफराद की तरफ जो है वो जा रही है। और जो ये साहब पाकिस्तान में हैं, ये आप देखें कि ये किस तरह से जो है वो इस चीज़ को जो है वो, यानी अब ये देखें, ये अजीब इत्तफाक है। अगर ये इत्तफाक है तो ये बहुत ही अजीब है कि इन्होंने जब भी लॉन्ग मार्च शुरू करना होता है उससे पहले इनको डेड बॉडी चाहिए। इन्होंने 2014 में लॉन्ग मार्च करना था तो इनको मॉडल टाउन की डेड बॉडीज़ जो है वो मैसर आ गई थी। उन डेड बॉडीज़ के ऊपर जो है वो उन्होंने अपने फिर लॉन्ग मार्च की बुनियाद रखी और लॉन्ग मार्च लेके आए।
शायद उन्होंने सोचा कि 25 मई का जो लॉन्ग मार्च है वो पता नहीं नाकाम इसीलिए हुआ है कि हमने अपनी पहले बारी प्रैक्टिस जो है वो डेड बॉडीज हमने जो है वो उनको उनका सहारा नहीं दिया, और अब बदकिस्मती मैं समझता हूँ उस खानदान की, सहाफी बरादरी की, मरहूम की, कि अब जो है वो उसकी डेड बॉडी जो है वो इनको मैसर आई है, और उसके ऊपर जो है वो अपने फितने की, अपने फसादी मार्च की जो है ये बुनियाद रख रहे हैं। जब इन्होंने आज से 6 दिन पहले कहा था कि मैं जुमे को, यानी कल जो आ रहा है जुमा, ये अगर आपके पास, मैं समझता हूँ कि अगर ये बात मेरी जब ऑन एयर हो रही हो तो अगर ये आप उसको चलाएं, इसने कहा था कि मैं जुमेरात या जुमे को मैं अनाउंस करूँगा कि मैं कब निकल रहा हूँ, मैं कब लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ, इसमें कोई अबहाम नहीं है। ये मंगल को इसने क्यों जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया कि जी मैं फलां दिन जो है वो लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू करूंगा, यानी क्योंकि उसी रात जो है वो अशरफ शरीफ शहीद की डेड बॉडी जो है वो आ रही थी पाकिस्तान से, लाया जा रहा था, तो ये कोई अपना जो है वो क्या ज़रूरत थी 2 दिन पहले जो है वो उसको जो है वो अनाउंस करने की। मैं समझता हूँ कि ये बात आज तमाम सियासी, सहाफती और उन तमाम वर्कर्स के लिए, उन तमाम कायदीन के लिए जो है ये तमाम जो है वो कायदीन के लिए जो है ये बड़ी ही काबिले इत्मीनान और काबिले जो है वो जो है मैं समझता हूँ कि काबिले प्राउड ये बात है कि आज DGISPR ने, जबकि उनके साथ DGI भी वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बड़ा ही दो टोक और वाजे एक पैगाम जो है वो कौम के सामने रखा है कि ये फैसला अदारे ने किया है कि अदारा जो है वो ए पॉलिटिकल जो है वो किरदार अदा करेगा, वो अपनी आइनी हदूद में जो है वो रह के जो है वो काम करेगा, सियासी वर्कर्स की, सहाफ़ियों की और तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोगों की ये जो है वो जद्दोजहद जो है ये पिछले 70 साल से जारी थी, और लोगों ने इस जद्दोजहद में जो है वो कोड़े भी खाए, लोगों ने जलावतनियाँ बर्दाश्त की, लोगों ने जो है वो जेल और कैद की सहूलतें बर्दाश्त की। एक ही मौक़िफ़ था कि अदारे जो हैं वो अपनी आइनी हदूद में रह के काम करें। ये मौक़िफ़ इसलिए था कि जब अदारे अपनी आइनी हदूद में रह के काम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क तरक्की करेगा, कौम खुशहाल होगी, कौम जो है वो सुरखरू होगी। ये जद्दोजहद जो है ये आज बराबर हुई है, और आज अदारे की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे न सिर्फ ऐलान किया गया है बल्कि एक सहाफ़ी ने आगे से क्वेश्चन किया कि जी ये अदारे का फैसला है या किसी पर्सनैलिटी का, किसी शख्सियत का फैसला है, और ये पर्सनैलिटीज के साथ चेंज हो सकता है। तो DGISPR ने दो टोक अंदाज में ये कहा कि ये अदारे का फैसला है और ये कभी जो है ये तब्दील जो है वो नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पे उन तमाम लोगों को जिन्होंने किसी न किसी वक्त में इस मकसद के लिए जदोजहद की, इस मकसद के लिए जो है वो अपनी सदाए हक बुलंद की, उन सबको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनको इस कामयाबी पे मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास तौर पे
मौजूदा आर्मी चीफ को, जिनकी सरबराही में और आर्मी की उस लीडरशिप को जिनकी मौजूदगी में आज ये फैसला हुआ, या फैसला तो पहले हो चुका था, उसके ऊपर अमल भी जो है वो जिस तरह से बताया गया हुआ, और आज उस फैसले को पूरी कौम के सामने रखा गया है, पूरी कौम को गवाह बनाया गया है कि हमारी मुसल्ला फौज, पाक फौज का अदारा जो इस मुल्क की सरहदों का मुहाफिज है, जो इस मुल्क की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मुहाफिज है, जो इस मुल्क की नज़रियाती सरहदों का भी मुहाफिज है, उसने कौम के मुतालबे पे, कौम की बेहतरी के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए ये फैसला किया है कि वो अपना आइनी किरदार जो है वो अदा करेंगे। और इस मरहले पे जिस बदबख्त का मकरू चेहरा जो है वो सामने आया है, वो कौन है कि जो अदारों को आइनी हदूद फलांगने, आइनी हदूद में रहकर काम ना करने, सियासी मुदाखलत करने, अदम एतमाद की तहरीकों को नाकाम करने, और जो है वो आइन को जो है वो रद्द करने, गैर आइनी इकदामात करने के लिए जो उभारता रहा है, जिसके न सिर्फ ये सबूत हैं बल्कि वो अपने जलसों में भी तकारीर जो है वो जो करता है, अभी कल भी वो कर रहा था, और जिसने न्यूट्रल को, जो कि एक बड़ा ही बाइज्जत लफ्ज है और रहेगा, इसकी इस जो है वो यानी हरकत से कोई न्यूट्रल के लफ्ज़ को जो है वो मैं नहीं समझता कि उसके मानी तब्दील हो जाएंगे, लेकिन उसने इस लफ्ज़ को गाली के तौर पे इस्तेमाल किया गैर जानबदार होने के। कल भी कह रहा था कि जी आपके घर पे डाका डाल जाए तो चौकीदार कैसे जो है वो गैर जानबदार रह सकता है, वो भी डाका तो तुम मार रहे हो, ये तोशा खाने का डाका, ये वो 50 अरब का जो है वो डाका, ये फॉरेन फंडिंग का डाका, सबसे बड़े चोर डाकू तो तुम खुद हो, तो तुम किसकी बात कर रहे हो, किस डाके की बात कर रहे हो। तो मामला ये है कि जो आदमी इस सूरत हाल में फौज के अदारे को जो है वो सियासत में घसीटने की बात कर रहा है, जो इसके लिए जदोजहद कर रहा है, जो पिछले 6 माह से इस जदोजहद में लगा हुआ था कि जनाब फौज जो है वो सियासत में हिस्सा ले, वो उनको कह रहा था कि आप न्यूट्रल क्यों हैं, या आप ए पॉलिटिकल क्यों हैं, आप क्यों नहीं मुझे मेरा साथ देते और क्यों नहीं मुझे जो है वो दोबारा लेके आते, क्यों नहीं जो है वो आप मुझे जो है वो दोबारा से वज़ीर आज़म बनाते। तो आज मैं समझता हूँ कि अदारे ने एक बड़ा बेहतर फैसला किया कि उन्होंने कौम के सामने ख़ुद को पेश किया, उन्होंने ये फैसला जो खुद से किया था, शायद अगर आज कौम को वो गवाह ना बनाते तो ये फैसला जो है वो उतना सुरखरू और उतना ज़ोरवर ना होता जितना वो आज है। तो मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने बहुत बड़ा फैसला किया कि उन्होंने पूरी कौम को अपने इस फैसले से आगाह किया और पूरी कौम को जो है वो गवाह बनाया, और साथ उन्होंने इस कमिटमेंट को भी दोहराया कि किसी ग्रोह को, वो सियासी हो या वो गैर सियासी हो, किसी ग्रोह को, किसी जथे को मुल्क की इकॉनमी को और मुल्क की जो स्टेबिलिटी है उसको जो है वो डैमेज करने की कतन जो है वो इजाज़त नहीं देंगे। और इस मरहले पे मैं दोबारा आर्मी चीफ को इस बात पे भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है वो एक्सटेंशन फॉर लाइफ एक्सटेंशन जो है उसकी उन्होंने पेशकश को ठुकराते हुए अपने अदारे को सुरखरू किया, अपने अदारे की इज्जत रखी, और उन्होंने वो फैसला जो है
उसको अपनाया जो उनके अदारे ने किया था, और आज मैं इस बात पे भी उन्हें जो है वो सराहता हूँ कि उन्होंने इस फैसले को जो है वो कौम के साथ शेयर किया। अरशद शरीफ शहीद के मामले में जो इंफॉर्मेशन्स यहाँ तक पहुँची हैं वो काफ़ी जो है वो यानी एक इंफॉर्मेशन जो है वो जब पहुँचती है आप तक तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि ये किस हद तक सही है, लेकिन फिर भी वेरीफाई करना जो है वो हुकूमत का फ़र्ज़ है। इसलिए हमने एक दो रुकनी टीम जो दोनों ऑफिसर्स हमारे बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं उनको भेजा है, और मैंने उनको ख़ास तौर पे ये हदायत की है कि वो दोनों जो वक़ार और खुरम नामी जो दोनों साहिबान हैं उनको वो ज़ाती तौर पे उन तक एक्सेस हासिल करें, और उनके मतलब जो मालूमात हम तक पहुंची हैं उनको वेरीफाई करें कि वो किसके लिए वहाँ पे काम करते थे, किस कंपनी के वो मुलाज़म हैं, और वहाँ पे काम वो क्या करते हैं, किस किस्म का वहाँ पे जो है वो बिज़नेस है। उस गाड़ी को इंस्पेक्ट करें जिसमें शहीद जो है वो सवार था, उस मौके पे जाएं, और वो जो पुलिस पार्टी वहाँ पे मौजूद थी जिसके ज़िम्मे ये आ रहा है कि उन्होंने फायरिंग की, गाड़ी के अंदर से फायरिंग हुई या उन्होंने चेज़ करते हुए फायरिंग की, हो सके तो उस पुलिस पार्टी को भी जो है वो अपनी इंक्वायरी, अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपने प्रोब का जो हिस्सा बनाए, और जो दी फॉर्म है, जो फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस की मलकियत से मतलब भी जो है कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो ठीक है, वो अपने तौर पे लोग जो है वो गवाही दे रहे हैं, लेकिन वो को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो लेके हैं ताकि उसको जो है वो शेयर किया जाए। और खुर्रम ने सबसे पहले, यानी अगर वो खुर्रम उनके साथ था, उन्हें वो जानता था तो, और कई दिनों से उनके साथ था, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अरशद शरीफ मरहूम जो है वो तकरीबन एक महीने से जो है वो वहाँ पे मौजूद थे, और ये खुर्रम नामी बंदा जो है वो उनके साथ था, तो उसे मालूम तो होगा, रोज़ाना अरशद शरीफ की अपने घर वालों से बात होती होगी, तो उसे ये चाहिए नहीं था कि अगर ये अलमनाक अफसोसनाक हादसा हो गया था तो सबसे पहले उसके घर वालों को इतला करता। उसने किसको इतला की, तो क्या इसके भी कोई मुजमरात हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं आपको एतमाद में लेना चाहता था कि मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि इसके ऊपर जो है वो हम जो है वो काम कर रहे हैं। दूसरा, मैं आखिर में आपको ये बता दूं कि आज हमारी जो है वो मीटिंग हुई है लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिक, उसमें तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के सरबराह जो है वो मौजूद थे, और ICT की इंतज़ामिया जो है वो मौजूद थी। उसमें हमने इस फितना लॉन्ग मार्च के मुजमरात का जो है वो जायज़ा लिया है। इन्होंने हमें एक एप्लीकेशन दी है, और उस एप्लीकेशन में इन्होंने कहा है कि H9 और G9 एरिया जो है, जिसमें ये कह रहे हैं कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे जो है वो इजाज़त दी हुई है गैदरिंग की, तो वहाँ पे हमें गैदर होने का जो है वो NOC जो है वो दिया जाए। ICT की इंतज़ामिया जो है वो इस दरख्वास्त का जायज़ा ले रही है, इनकी इंटेंशन से मुतल्लक भी जो है वो प्रोफेशनली जो है वो असेसमेंट की जा रही है, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ठीक नहीं है, और ये भी जायज़ा लिया जा रहा है कि ये वहाँ पे स्टॉप ओवर करके आगे बढ़ने के लिए वहाँ पे इकट्ठा होना चाहते हैं, या वाकई ही कानून का एहतराम करते हुए और सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को मानते हुए वहाँ पे अपना एक लीगल और जो है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एहतजाज करना चाहते हैं। अगर इनकी नियत पे जो है वो कोई इन्होंने हमें श्योर किया इस बारे में जो रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की, तो फिर हम इनको कम से कम जो है वो दो दिन पहले, क्योंकि 4 तारीख को की ये इजाज़त मांग रहे हैं, तो हम इनको इजाज़त दे देंगे ताकि ये अपने अरेंजमेंट्स करें, और ऐसी सूरत में कि ये पुरमन हो और उस एरिया तक महदूद हो, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हो, अंडर द लॉ हो, तो फिर हम इनको जो है वो इजाज़त भी देंगे और प्रोटेक्शन भी देंगे। लेकिन
नहीं, अभी उन्होंने ये कहा है कि अपना जलसा ओब्लीग सिटिन जो है ना, वो कहते हैं कि हमें ये जगह जो है ना वो दी जाए टू होल्ड जलसा ओब्लीग सिटिन फ्रॉम 4 नवंबर 2022 नोन एज हकीकी आज़ादी मार्च। अब आप ये देखें आप, यानी हकीकी आज़ादी मार्च, मुझे याद आ गया एक हकीकी जमहूरीत भी एक बंदा लेके आया था 99 में, यानी उस वक्त पाकिस्तान जो है वो 99 में अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ जो है वो एटमी कुव्वत बना, पूरी दुनिया एक तरफ और अमेरिका बहादुर जो है वो पूरा डट के खड़ा था कि जी पूरी दुनिया एटमी धमाके करे, पाकिस्तान एटमी धमाका ना करे, क्योंकि ये तो दुनिया के बारे में नहीं है कि कोई मुसलमान मुल्क जो है वो एटमी कुव्वत बन जाए, इसलिए खबरदार अगर पाकिस्तान ने जो है वो एटमी धमाका किया, अगर इंडिया ने किया है तो बस ठीक है उसने कर लिया है, आपने नहीं करना। अंडर द लीडरशिप ऑफ मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान ने इंडिया के 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए, पाकिस्तान दुनिया की पहली मुसलमान एटमी कुव्वत बना और मुआशी तौर पे पाकिस्तान इतना ताकतवर था कि उसे दुनिया के बाइकॉट्स का, अमेरिका के बाइकॉट्स की कोई फिक्र नहीं थी, वो अपने आप को जो है वो सहारा देने और आगे बढ़ने के काबिल था, और पूरी दुनिया के अखबार और रसाइल उस वक्त लिख रहे थे कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत तो बन गया है, अब पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है, यानी इकॉनमी में पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बनने जा रहा था। उसके बाद एक साहब आ गए 12 अक्टूबर 1999 को और उन्होंने कहा कि जी मैं हकीकी जमहूरियत लाऊंगा। अब उस हकीकी जमहूरियत को फिर इस कौम ने जो भुगता है और उस हकीकी जमहूरियत में फिर जिस तरह से जो है वो दहशतगर्दी, खुदकुश हमले और फिर जो जो कुछ हुआ है, तो फिर हाल ये था कि यहाँ पे लोड शेडिंग, दहशतगर्दी और पूरी दुनिया के अखबार और रसायल जो उस वक्त लिख रहे थे कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा है, वो सब लिख रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, और ये हकीकी जमहूरियत जो है उसने इस कौम को जो है वो रुलाया, इस कौम का नुकसान किया, इस कौम को तबाह किया। और उसके बाद जो है वो फिर दोबारा 2013 में जब मियां नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिला तो उस वक्त 18-18 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग थी और दहशतगर्दों का कह रहे थे कि जी बस ये स्वात तक पहुंच गए हैं, बस अब आगे इस्लामाबाद ही उन्होंने आना चाहते हैं। तो उन्होंने अगले 4 साल में न सिर्फ इस मुल्क से दहशतगर्दी को ख़त्म किया, दहशतगर्दी को ख़त्म किया, लोड शेडिंग को ख़त्म किया, और उसके बाद जो है वो दोबारा जो है वो तरक्की के रास्ते पे जो है वो डाला। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो जो हालात हुए आपके सामने हैं, और अब ये देखें ये हकीकी आज़ादी मार्च, वो हकीकी जमहूरियत थी जो कौम को इतनी महंगी पड़ी, अब ये हकीकी आज़ादी जो है वो हमें जो है वो दिलाना चाहता है, और इस तरह से जो है वो कौम को जो है वो फितने और फसाद की जो है वो नज़र करना चाहता है। तो ये इसमें जो है वो हम देख रहे हैं, अगर इनकी नीयत ठीक हुई और इन्होंने जो रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की, तो फिर हम इनको पुरअमन जो है वो एहतजाज की जो है वो बिल्कुल, वो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल हक है, उसकी हम इजाज़त देंगे, वरना हम इन्हें जो है वो रोकेंगे इस्लामाबाद में इंटर होने से, जहाँ जहाँ पे इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन शुरू होती है हम देर एंड देर देन वहाँ पे इनको रोकेंगे। और इस मकसद के लिए हमने रेंजर्स, एफसी और सिंध पुलिस और उसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस की जो है वो रिक्विजिट रिक्वायर्ड नंबर जो है वो हमने पूरा कर लिया है, हमारे पास मौजूद है, उनके पास सारा साजो सामान भी जो है वो मौजूद है, उसको बिल्कुल ठोक बजा के हमने चेक कर लिया है। तो इनको इंशाल्लाह वहीं पर रोकेंगे, और अगर
इन्होंने हमें इस बात की यकीन दहानी करवाई, तो फिर हम इनको उन वेन्यूज़ पे जो वेन्यूज़ डिक्लेयर्ड हैं बाई दी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वहाँ तक आने की इजाज़त देंगे। लेकिन उसके बाद फिर हम जो रेड जोन है, रेड जोन को 4 किलोमीटर तक जो है वो हम एक हसार जो है वो बनाएंगे। और ये फैसला है कि किसी कीमत पे इनको रेड जोन में जो है वो इंटर नहीं होने देंगे। वो बिल्डिंग्स, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, जो भी वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं जो कि सिंबल ऑफ स्टेट है, उनको किसी तौर पे जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे, क्योंकि वो रियासत की अलामत है। तो किसी कीमत पे भी जो है वो इनको जो है वहाँ पे दाखिल होने नहीं देंगे। और इस मकसद के लिए जो है वो हम आर्टिकल 245 को भी इन्वोक कर रहे हैं टू सेफ गार्ड दी रेड जोन एरिया। और वहाँ पे फर्स्ट लेयर में जो है वो पुलिस और एफसी और रेंजर्स होंगे, और सेकंड लेयर में जो है वो फौज पाकिस्तान जो है वो होंगी उसको जो है वो सेफ गार्ड करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। राणा साहब, मेरा क्वेश्चन है, जरा बात थोड़ी सी मेरी जल्दी है। अभी आपने जी अभी आपने ये कहा है कि अर्शद के मर्डर के बारे में जी अर्शद शरीफ के मर्डर के बारे में इमरान खान गाजी और एआरवाई के सुलेमानी कुमार, देखिए यहाँ पे वो उसका बकूर का पोस्टमार्टम कल हुआ है, क्या इस रिपोर्ट में ये बात आ रही है कि ये गोली जो है गाड़ी के अंदर से लगी या नजदीक से लगी? दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि ये साजिश का आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हुआ तो कीनिया में हुआ, अगर मुकदमा यहाँ दर्ज होता है तो इन दोनों को या बाकी लोगों को गिरफ्तार करेंगे? बाकी मेरी दूसरी जो आप बात कर रहे हैं रियासत की, आज DGIS की आप ने बड़े वाजह लफ्ज में कहा कि हम सिटिंग गवर्नमेंट को कहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें जो उसके जो तोहीन करता है या प्रोपेगेंडा करता है। 6 महीने में तो आपने कुछ भी नहीं किया, आप अगर मुकदमा दर्ज करते हैं तो अदालतें उसे फौरन रिहा कर देती हैं, उसकी बेल ले देती हैं, आप इस बारे में तो आप बिल्कुल नाकाम हो गए। दूसरा आपने 245 का कहा कि हम सेकंड थर्ड लाइन पर रखेंगे, क्या इस वक्त आप बाहर रोकेंगे इस्लामाबाद के बाहर, क्या फौज को वहां पे बुलाएंगे, इनको अंदर दाखिल नहीं होने देंगे? पुलिस अगर पब्लिक ज्यादा हुई तो पुलिस को यह हैंडल नहीं कर सकती। ये मैं आपका एक एक करके जवाब देता हूँ। अगर पहले क्वेश्चन का जवाब दे कि मैं आपके अगर छठे क्वेश्चन को भूल जाऊं तो वो आपने मुझे याद करवा देना है। देखें, पहली बात तो ये है कि अर्शद शरीफ मरहूम की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो मेरी नज़र से नहीं गुजरी, और मेरी अगर नज़र से गुजरे भी तो आई एम नो बॉडी कि मैं उसके ऊपर कोई कमेंट करूं कि ये गोली जो है वो गाड़ी के अंदर से लगी है या बाहर से लगी है। ये मैं समझता हूँ कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और जो रेलेवेंट प्रोफेशनल लोग हैं इस बारे में वही राय दे सकते हैं। इस बारे में कि ये साजिश है, ये बाहर हुई, यहाँ पे हुई, किसने की, किस तरह से की, जो अवामल जो हकायक सामने हैं वो तो हमने आपके सामने रख दी हैं। आज DGISPR ने भी काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो है वो उन्होंने रोशनी डाली है। लेकिन इसका फैसला जो है, नंबर वन, अक्रंस कैसे हुई, ये इंसिडेंट कैसे हुआ, ये तो जो हमारी एक इन्वेस्टिगेटिव टीम जो जा रही है वहाँ पे, वो जब वहाँ से ख़ुद मौके से हकायक को इकट्ठा करके लाएगी तो ये फैसला तो फिर उनकी रिपोर्ट की नज़र में की सूरत में जो है वो हतमी तौर पे कहा जा सकेगा कि ये वकूआ हुआ कैसे है। ये उन्होंने नाका तोड़ा, नहीं तोड़ा, फायरिंग गाड़ी पे हुई, गाड़ी के अंदर से फायर हुआ, ये खुर्रम कौन है, वकार कौन है, फार्म हाउस किसका है, कैसे वहाँ पे गए, कैसे वहाँ से आ रहे थे, ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर से जो है वो पर्दा उठ जाएगा। और फाइनल फैसला जो है वो इंक्वायरी कमीशन करेगा। इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जो है उस के बाद ये फैसला होगा कि मुकदमा दर्ज होना है, नहीं होना, कहाँ होना, ये जो है वो इंक्वायरी कमीशन जो है, जो कि मेरा ख्याल है कि आजकल में उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो ये इंक्वायरी कमीशन जो है वो करेगा।
जहाँ तक आपने बात की है कि फौज जो है वो उनको कहाँ पे रोकेगी, ये एक यानी स्ट्रेटजी का मसला है। ये जब वो आएंगे तो उसके मुताबिक जो है वो हम इस चीज़ को जो है वो रखेंगे कि